नमस्कार दोस्तों, शारदीय नवरात्रि अब समापन की ओर है। बता दें कि 4 अक्टूबर यानी कि कल शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि है। इस दिन भक्तगण माँ सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इस दिन हवन और कन्या पूजन के साथ ही पावन नवरात्रि का समापन भी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको महानवमी पर हवन के शुभ मुहूर्त, पारण का समय, साथ ही साथ इस दिन करने वाले कुछ ऐसे अचूक उपायों के बारे में बताएंगे जिनको करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवमी तिथि पर हवन और कन्या पूजन करने का विधान है। तो ऐसे में हिंदू पंचांग के मुताबिक हवन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:20 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। वहीं सुबह 9:10 से 11:30 के बीच भी हवन करना काफी लाभदायक रहेगा। इसके अलावा नवरात्रि व्रत का पारण समय दोपहर 2:20 के बाद होगा। चलिए अब आपको इस दिन कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में बताते हैं। पहला उपाय, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। अगर आप पर कर्ज का अधिक बोझ है और उसे निजात पाना चाहते हैं तो इस दिन हवन पूरा होने के बाद घर पर 9 कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं, साथ ही साथ खीर का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से मां की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता है। इसके अलावा इस दिन पूर्व दक्षिण के मध्य भाग यानी कि आग्नेय कुंड में माता रानी की ज्योत जलाएं। मान्यता है कि इस ज्योत को जलाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आगे आपको बताते चले कि महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ जरूर करें। मान्यता है कि इस पाठ को करने से अन्न, धन और यश की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महानवमी के दिन माँ दुर्गा को गंगाजल से स्नान कराएं और माँ की विधि विधान से पूजा करके दुर्गा रक्षा कवच का पाठ करें। बता दें कि इस दिन माँ की पूजा करने के बाद पीले रंग की कौड़ियों और शंख की भी पूजा अवश्य करें। इससे आपको आर्थिक संकटों से तो छुटकारा मिलता ही है, साथ ही साथ धन लाभ के भी योग बनते हैं। तो दोस्तों, महानवमी के दिन इन उपायों को करने से आपके जीवन की तमाम परेशानियां दूर होती हैं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।